क्षमा करें महाबली, अपने और सैनिकों की मृत्यु सहन ना होगी। चिंता ना करें, आपके सभी साथी केवल मूर्छित हैं, शीघ्र होश में आ जाएंगे। हमने सुना था महाबली अजय और सम्मानी के साथ साथ दयालु और उदार हृदय भी है, आज देख भी लिया। कृपा कर हमारा आतिथ्य स्वीकार करें महाबली, यही हमारा पश्चाताप होगा। आपका आतिथ्य स्वीकार करना मेरा सौभाग्य होगा। प्रणाम गुरुदेव। मंगल हो। हमें प्रसन्नता हुई ये देखकर कि जब से मालवा से लौटी हो, प्रसन्नता का स्थायी भाव लेकर लौटी हो। ये भाव स्थायी नहीं है गुरुदेव, कुछ क्षणों की संतुष्टि का भाव है। स्थायी भाव तो तब होगा जब मालवा का पूरी तरह से विनाश हो जाएगा। ये तो प्रारंभ है, संपूर्ण विजय तो अभी शेष है। तुम्हारी अनुपस्थिति में मान्यखेट में कुछ समस्याएं सामने आई हैं, जिनके बारे में चर्चा करना आवश्यक है। आप चिंतित ना हो गुरुदेव, जो कुछ भी हुआ है उसकी सूचना है हमें। तैलब की समस्या का समाधान अवश्य होगा। एक वचन चाहिए। वचन? क्या आपको अपनी पुत्री पर संदेह है कि वो बिना वचन के आपकी समस्या का निदान करने में असमर्थ रहेगी? आपको आश्वस्त करने के लिए दिया वचन। नहीं पुत्री, तुम्हारे सामर्थ्य या नियति पर मुझे अपने से अधिक तुम पर भरोसा है। परंतु ये वचन इसलिए है कि जब कभी भी मैं इस वचन को कहूंगा तो तुम उसे पूर्ण कर सको। कदाचित वो तुम्हारे लिए परीक्षा की घड़ी होगी। कभी कभी बच्चों के भविष्य को सुरक्षित रखने के लिए ये वचन लेना पड़ता है। कभी कभी आपकी बातें हमारी समझ के परे हो जाती हैं गुरु आदित्य, पर हमें पता है कि आपका ये वचन भी हमसे संबंधित है, क्योंकि आपने स्वयं के लिए तो कभी कुछ मांगा ही नहीं, केवल निस्वार्थ भाव से दिया ही है। और इस संबंध में प्रश्न करके हम आपको दुविधा में नहीं डालेंगे गुरु आदित्य। हम उस समय की प्रतीक्षा करेंगे और समझेंगे कि हमने आपको अपनी गुरु दक्षिणा दे दी। सदा सुखी रहो। कैसे लोग हैं यहाँ पर? कोई हमारे प्रश्न का उत्तर ही नहीं दे रहा। हम उनसे पूछते तो टाल मटोल के हमें भगा देते हैं। आप यहाँ क्या हुआ? हमें भविष्य की चिंता है, अब इन दोनों का क्या होगा? कोई तो हमारी समस्या को सुलझाओ। किसका क्या होगा? कौन सी समस्या? हमारे तोते, क्या होगा हमारे तोतों का? देखिए, हमारे पास दो तोते हैं, ठीक है? तो हमने उन्हें संस्कृत के कुछ श्लोक याद करवाए, तो अब एक रामायण का पाठ करता है तो दूसरा महाभारत का। अब दोनों अपने आप को बहुत बड़ा पंडित समझने लगे, पूरा दिन आपस में लड़ते रहते हैं। अब आप बताइए क्या होगा उनका? आपके दोनों तोतों को तो हम सुधारेंगे, लेकिन आप कब सुधरेंगे बताइए हमें? आपका क्या होगा? क्या होगा हमारा? हमने क्या किया? आप फिर से बिना हमारी आज्ञा के हमारे पास चले आई। इसे बड़ों की आज्ञा की अवहेलना करना कहते हैं। हमें पता है आप हमारी इस छोटी सी भूल को क्षमा कर देंगे। बड़ों को क्षमा शोभा देता है ना, और छोटों को शरारत करना, ये हमने कहीं पढ़ा था। तुम नहीं सुधरोगी ना, इतनी सी उम्र में इतनी बड़ी बड़ी बातें। अरे बातों के तो धनी है हम, चाहे जितनी बातें करा लो हमसे, हम कभी नहीं थकते और हमारी बातें भी कभी नहीं थकती। अरे आपको पता है एक बार तो हम Thank you.
कविता, शस्त्र और साहित्य का इतना अनोखा तालमेल मैंने पहले कभी नहीं देखा। लेकिन लिखा क्या है इस पे? क्लास का भाषा विज्ञान कब काम आएगा? गद हो या पद, विलास तो पता लगा कर रहेगी। आप कहे तो हम आपकी सहायता भी कर देते। देखिए, अनुभव में आप हमसे बड़ी हैं, लेकिन भाषा हमारी आपकी उम्र से भी बड़ी है। तो क्यों ना हम दोनों साथ मिलकर ये पता लगाने का प्रयास करें कि इस सलवार पर लिखा क्या है। लिखावट की बनावट से लग रहा है जैसे ये कोई प्रेम कविता है। लगता है कोई वीर योद्धा प्रेम में पड़ गया है। क्यों? तुम नहीं सुधरोगी। हम बिगड़े कब थे? हम तो सिर्फ तलवार पर लिखी कविता पढ़ने का प्रयास कर रहे थे। आप हमारी सहायता नहीं करेंगी? ये बहुत भारी है। हम अभी आते हैं। ऐसे ऐसे पागल प्रेमी से मिलना चाहिए ना जो तलवार पे कविता लिखे।